नमस्कार, आप देख रहे हैं कभी गप न्यूज। उज्जैन में आचार संहिता को लेकर देवासगढ़ थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक इंडिका कार से 5,21,000 रुपए जब्त किए हैं। पुलिस के अनुसार कार मालिक रंजीत कुमार राजस्थान के रहने वाले हैं और जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उनका कपड़े का व्यापार है। वो अपने व्यापार के सिलसिले में उज्जैन आए और यह पेमेंट व्यापार के लेन देन का बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि व्यापारी से लेन देन के कागज मंगवाए जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल केस पुलिस ने जब्त कर लिया है। चुनाव आचार संहिता के दौरान वाहनों की चेकिंग चल रही है। वाहनों की चेकिंग के दौरान जो है रंजीत कुमार निवासी सिरोही राजस्थान, इनकी गाड़ी में केस मिला है। केस की अभी तस्दीक की जा रही है। केस कितना है इस संबंध में वेरीफाई कर रहे हैं हम लोग। और व्यापारी का ये कहना है कि मैं कपड़े का व्यापार करता हूँ, वहाँ से पैसे लेके आ रहे हैं। इंडिगो CS गाड़ी है। कितना पेमेंट बता रहे हैं? पेमेंट 5.5 लाख बता रहे हैं, लेकिन अभी 5.21 है, अभी गिन रहे हैं हम लोग। बने रहे कमिंग अप न्यूज के साथ।